मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज तुम्हारा भाई आजकल मतलब 2 दिन से ना टाइम से उठ रहा है। तो अभी देख लो भाई 8:40 ही हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। एंड मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। और आजकल यार मैं रेडी ना, एक तो जल्दी इसलिए उठ रहा हूँ जान के यार रोड्स का पता नहीं है और मेरे को लेट पहुँचना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप लोग को पता है ही था मैंने कल की भाई चिराग दिल्ली का फ्लाई ओवर बंद हो रखा है, तो मैं नहीं चाहता यार फिर से उसमें फंसूँ। सो चलते हैं, निकलते हैं, टाइम से उठ गए हैं तो टाइम से आराम आराम से जाएंगे आज। कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अनटिल अनलेस कोई मजे लेने ना आ रहा हो रस्तों में, जैसे कल ये को डोमिनर वाले भाई मिले थे मैं। ठीक है चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। अरे भाई स्कूटी बाइक की लग रही है रेस सुबह सुबह। तो गाइस बैक ऑन रोड। तो यार देखो आज तो मैं जाऊंगा आराम से क्योंकि मैं हूँ टाइम से। ठीक है, नो जल्दी नो हड़बड़ी। बाकी यार स्कूटी बाइक वालों के साथ तो नहीं। हाँ कल की तरह वो डाउनर वाला मिलता तो मैं सोच सकता था कि थोड़ी सी भगाई जाए, बट नहीं। ओए तो मौसम है ना यार थोड़ी सी हल्की ठंडक है। कल मैं चिटकुल का देख रहा था, चिटकुल में जो होटल में मैं जाके रुका था तो उस बंदे को मैंने फॉलो कर लिया था जिसका होटल था, मतलब वहाँ का पता नहीं ओनर था वो मैनेजर था आई डोंट नो। सो उसकी स्टोरी देख रहा था। स्टिल भाई चिटकुल में कल हुई है एकदम फ्रेश स्नोफॉल, तो तभी हो सकता है आज यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक हो। मौसम तो भाई एक नंबर हो रहा है, मज़ा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही, पहले सबसे बढ़िया। यार यहाँ जो फ्लावर पे काम कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो बीच में जॉइंट्स होते हैं ना फ्लावर को के बीच में, जो पिलर जहाँ पे जुड़ते हैं अलग अलग, ये उनको खोद के उनके अंदर कुछ कर रहे हैं रिपेयर वर्क। चलो भाई ये थोड़ा ऊपर तो आ गए और उन्होंने खोदना वोदना तो स्टार्ट कर दिया भाई, लेंटर वेंटर सब कुछ कर रहे हैं, बीच में वही गैप्स खोल रखे हैं। और भाई जाम देख लो दूसरी तरफ, कल तो निकल गए थे पर मैं बता रहा हूँ ये ना थोड़ी देर का ही जाम है, बहुत ज़्यादा देर वाला लंबा कोई जाम नहीं है अगर आपको इससे डील करना आता है तो। बट ये सिर्फ मैं स्पेशली से बाइक वालों के लिए ही बोल रहा हूँ, गाड़ी वालों के लिए नहीं, क्योंकि गाड़ी के लिए होती नहीं है स्पेस, तो उनका तो फंसना मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते यार वो गाड़ी वाले। कह रहे थे भाई बाइक कितने की है, मैं उनको यही बता रहा था भाई बाइक हो गई है बहुत ज्यादा महंगी। भाई मैं जाता हूँ पहाड़ों में इसको लेके, तो वहां दिक्कत नहीं करती, लंबे रूट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये मेरी चौथी बाइक है मेरी, ये KTM है, KTM की ड्यूक 400 CC है ये, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी आ गया लग रहा, चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती ऊपर। आज भी हम फर्स्ट। यार लाइट है ना बहुत तेज लगती है आंखों में, इसलिए मैं बंद रखता हूँ। और एसी चलवाते हैं फिलहाल, पंखे से काम चलाते हैं। चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप सब मज़े में ही होंगे मेरी तरह। तो भाई आसमान में छा रहे हैं हल्के हल्के बादल और मैं निकल चला हूँ। एंड आज सोच रहा हूँ मैं यहीं से चलूँ क्योंकि घूमफिर के आने में भी थोड़ा सा टाइम ही लग गया था। तो लेट मी सी फर्स्ट क्या क्या का क्या हाल है, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे को तो लग रहा भाई नहीं ही जाना चाहिए, मैं थोड़ा अपना वक्त ज़्यादा बचा लूँगा।
यहीं से जाके, क्योंकि आज तो नहीं, ये वाला काम हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है। आज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आज भाई मेरे को चर्च भी पहुंचना है और मैं चर्च के लिए लेट नहीं होना चाहता। तो चलेंगे यहाँ से। और मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग भाई ये यहाँ जो मुड़ रहे हैं ना, ये इसी लिए ही मुड़ रहे हैं कि वो आगे जो जाम लग रहा है ना उससे बच सके। क्योंकि यार ये जो शीशा बंद करके चलाते हैं ना, मैं हर बार ही बोलता हूँ, इन लोगों से लगता है बड़ा डर, क्योंकि ये लोग अपने ना लेफ्ट राइट में देखते ही नहीं है। शीशे तो बंद कर रखा होता, देखेंगे कहाँ से पीछे से कौन आ रहा, साइड से कौन आ रहा। वैसे तो यार जो भी वो रोड बनाने वाले हैं, लगे हुए फुल जी जान से। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि टाइम से चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। वही दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो भाई जो ट्रैफिक है मूविंग ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ चल रहे हैं बस। अब आगे होगी रेल लड़ा जैसी, वो जब तक वो ग्रीन नहीं होगी तब तक यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं होगी। तो अब आप यहाँ से इधर से मत जाओ, ठीक है। अब दिखाता क्या करना है यहाँ के, ये रहा बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के आपको जाना है पीछे से, ठीक है। पीछे से जाएंगे अपन और अपन जाएंगे यहाँ से, ओके। इतना जो ट्रैफिक है आप इससे ही बच जाओगे। हम ये सीधा सीधा यहाँ आ गए, बस अब ग्रीन होना और अब निकल जाएंगे। तो जितना आपको पता है, यहाँ के ट्रैफिक वालों ने इधर इस रेड लाइट को थोड़ा सा लंबा ग्रीन रखा हुआ है। भाई चाटे चलिए बैठ के। थोड़ा सा स्किल आना चाहिए भाई, साइडों से निकालनी आनी चाहिए। तो भाई पीछे जाम लगा हुआ है ना वहाँ, तो उसके वजह से देखो यहाँ की रोड भी कितनी खाली, क्योंकि आधे आधा ट्रैफिक जो है वहीं रुका हुआ है, तो यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, तभी यहाँ आगे की रोड से खाली है। देखो मोस्टली मैंने दिखाया ना फ्लाईओवर के ऊपर जाम रहा था, आप देखना फ्लाईओवर एकदम खाली, मतलब संडे जैसा खाली, संडे को भी इस टाइप का ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे उतना ही। अभी यहाँ का हाल हो रखा होता था जैसे आपके अपोजिट वाली साइड में देख पा रहे हो आप, लेकिन अभी यहाँ पे जाम इसलिए ही नहीं है क्योंकि आधा से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमारा पीछे रह गया। हाल तो समझ ही नहीं आ रहा, मौसम मेरे को तो मतलब अच्छा लग रहा है, बट स्टिल लास्ट ईयर इस टाइम तक तो आ गई थी गर्मी, बट अभी इस टाइम तो भाई मौसम हो रहा प्लेजेंट। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी किसी ने बोला था कि ऊपर हिमाचल में स्नोफॉल वगैरह हुई है, शायद उसी के वजह से यहाँ पे कुछ बड़ी वाला मौसम हो रखा है। ये हम आ गए चर्च, और जोशवा भाई आ रखा है आज हमारा नंदू के। चर्च पहुंच चुके हैं, आज सुनाएंगे लिप्पी हमें वायलिन विथ जोशवा भाई के गिटार के साथ। ये बैठा जोशवा भाई, oh।
साइड में मेरा बोलने की तरीका काला हो चुका है, फीका हो चुका है, जिस तरह मैं बरकत को चमका पा रहा हूँ। खुदा का आप मेरे जीवन को, मेरे शहर को ऐसे चमकाए ताकि देखने में अच्छा हो। प्रार्थना करने की तरीका ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस तरह कहते हैं, खुदा बाप ने जिस तरह इस ऑफिस के लिए, इस फैक्ट्री के लिए, इस कंपनी के लिए ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, खुदा बाप मेरे जीवन में ऐसे तरह ईमानदारी भर दे ताकि लोग जाने कि मैं आपका संतान बेटा हूँ। इस तरह जब हम जानते हैं, इस तरह हम काम करते हैं, सोल्यूशन कुछ पता नहीं क्या करते हो ये सवाल। सही बात, बड़ी चल रही है कन्फ्यूजन भाई आज। नो सोल्यूशन, जल्दी है घर को। हाँ आज हो गया भैया की गाड़ी का टायर पंचर, आज लगेगा ये थंबनेल। मेहनत चल रही है फुल। जाते हो पीछे से डिग्गी पे एक साइन लगा हुआ है, हाँ तो वो दिखा देना। अरे वो पहले दिखा चुका भैया, थोड़ी बक्स हो तो मेरे के लिए भी भेज देना। हाँ ये भाई मेरे मेरे भाई को फॉलो करो, ठीक है, आईडी स्क्रीन पे आ रही है। अभी तो पता चलेगा जब जाएंगे, अभी तो फिलहाल सपोर्टिंग वाली चीज लग रही है। भाई साहब तीन तीन लोगों के लगे हैं फुल। लो चलो भाई फाइनली लग गया। अर्जन बंदा कर दो भैया सब्सक्राइब। ये लगे भाई, भैया देख लो मेहनत से लगे हुए, इतनी इतनी मेहनत चैनल पे भी चल रही है भैया के, इतनी टायर चेंज करने में चल रही है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ चर्च से और अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर। अभी बस एक अंकल को मैंने ड्रॉप किया था चर्च के मुनीरगा पे, तो बस सोच रहा हूँ वसनगर घूमते हुए जाएँ। और खाने का यार समझ नहीं आ रहा खाने में क्या खाया जाए, तो अब इस तरफ आ जाता ना तो मेरा वही मन करता है मोमोज वोमोज खाने का। तो सोच रहा हूँ आज बहुत दिन हो गए मोमोज खाए हुए, तो मोमोज लेके जाया जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों सॉरी मैं कल अपना व्लॉग एंड करने भूल गया। मैं घर आया चर्च के बाद, फिर खाना वाना खा के अपना सब कुछ सेट वेट करके मैं आराम से बैठ गया, बीन बैठ के बैठ रहे, मैं टीवी देख रहा, टीवी देखते देखते मेरे को नींद से आ गई, फिर मैं उठा फिर मैं सो ही गया। और मैं भूल गया मैं आप लोग के लिए ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं। सो चलो इसी नोट पे यहीं से करते हैं अपना ब्लॉग को एंड। यहाँ तक बने हुए हो तो भाई गेम आपको पता ही है, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करे बिना मत जाना यहाँ तक वीडियो देख लिया तो, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।